आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में जिससे 2018 में भी एक क्वेश्चन आया और एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें 21 में क्वेश्चन आया तो जल्दी से इस सेशन को क्विकली फिनिश करेंगे ताकि हमारी लर्निंग फटाफट फटाफट हो जाए और हम काफी अच्छी इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग सी चीजों को सीख भी जाए चलिए तो स्टार्ट करेंगे सेशन को जिसमें हम पढ़ेंगे रिस्क वर्सेस टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू डिजाइन और डिटेल वर्सेस बिग इंडियन बाइट ऑर्डरिंग के बारे में चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माइ सेल्फ उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं माई नेम इज़ विश्वदीप गोठी एंड आई वर्क एज अ चैनल लीडर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल आई हैव अटेम्प्टेड गेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स इन कंप्यूटर साइंस माई रैक्स आर नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन फोर फोर्टी सिक्स एंड फ्यू मोर रैंक्स आई एम हैविंग वेंट फॉर माई मास्टर्स टू आई एस सी मास्टर्स बिट्स बिलानी फोर्टीन प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बट ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए और वो कैसे मिल पा रही है इस चैनल के थ्रू मैं और मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए सही तरीके से बट आप लोग अगर चाहते हैं और लर्न करना तो आप अन के प्लेटफॉर्म पे भी आइए वहां भी आपको बहुत सारी अच्छी क्लासेस मिलेंगी अन एकेडमी डॉट जाओ या लर्नर ऐप डाउनलोड करके अन का गेट गेटीएससी कैटेगरी में अपना अकाउंट बनाओ और मेरी प्रोफाइल सर्च करके और फॉलो कर लो मेरी प्रोफाइल में आपको मिलेंगी स्पेशल क्लासेस ये एकदम फ्री क्लासेस है और हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस हैं स्पेशल क्लास जो आपको वहां मिल जाएंगी यूजिंग दिस कोड आप अनलॉक कर सकते हो सारी स्पेशल क्लासेस वीडीप टेन इज द कोड बट अगर फर्स्ट टाइम लर्नर है तो आपको ये कोड की जरूरत पड़ेगी डमी की स्पेशल क्लासेस आप अटेंड करोगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं पोल्स की फैसिलिटी है और साथ ही साथ आप लाइव चैट कर सकते हो ओवर द टॉक मींस आप वॉइस कॉल पे बात कर सकते हो एजुकेटर से लाइव और अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हो लेक्चर पी मिल जाएंगे कभी भी कहीं भी आप डाउनलोड करके लेक्चर्स को पढ़ भी सकते हो और सुन सकते हो एंड अगर आप लोगों का गेट का प्रिपरेशन आप चाहते हैं कि अच्छे से सही सिस्टमेटिक वे में सही ऑर्गेनाइज्ड वे में हो तो आपको चाहिए एक ऐसा एफिशिएंट प्रिपरेशन प्लान जिसमें आपको मिले एक सिस्टमेटिक स्टडी प्लान प्लस स्ट्रक्चर्ड स्टडी क्लासेस प्लस ऑर्गेनाइज्ड शेड्यूल ऑफ द क्लासेस एंड दैट यू कैन गेट ओवर हियर ऑन अकेडमी प्लस यहां से आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस जो कि आपको होंगी क्या जो कि आपको मिलेंगी बहुत इंटरेक्टिव वे में फिर आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वीकली टेस्ट क्रैश कोर्सेस हिंदी इंग्लिश बैचेस रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस और मिलेगा आपको डाउट सॉल्विंग अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे और मिलेगा आपको गाइडेंस ऑफ एजुकेटर जो आपको बताएंगे कि कब क्या कैसे कहां क्या करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो एफिशियंट प्रिपरेशन ज्यादा हो लिमिटेड टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन अच्छी और ज्यादा रैंक अच्छी कैसे लाई जाए उसका आपको मिलेगा गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ कंट्री अन एकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप वरियस ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन के दौरान अगर आप यूज करेंगे कोड वी दीप टेन तो आपको मिलेगा टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट और मिलेगा आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस ये डिस्काउंट जो है वो अच्छा हो सकता है अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया बिटवीन थर्टीन टू सेवनटीन ऑफ सेप्टेंबर क्योंकि अभी थर्टीन सेवनटीन पे ऑफर है कि अगर आपने प्लस के सब्सक्रिप्शन ट्वेल्व एटीन या ट्वेंटी फोर मंथस के लिए लिए हैं तो सब्सक्रिप्शन का स्पेशल प्राइस आपको दिखेगा जो कि ऑलरेडी टेन परसेंट कम करके दे रखा है और उस पर ऑन द टॉप ऑफ दैट टेन परसेंट डिस्काउंट कोड लगाने के बाद आपको ये प्राइसेस मिल जाएंगे तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ज्यादा डिस्काउंट के साथ लेना चाहते हैं दिस इज द राइट टाइम अप टू सेवेंटीन ऑफ यूज करके कोड वी दीप टेन टेन परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मेरा पर्सनल गाइडेंस आप ले सकते हैं अगर आपका प्रिपरेशन आप चाहते हैं कि ज्यादा बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड रहे तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें जिसमें आपको अन अकेडमी प्लस के सारे बेनिफिट्स और मिलेंगे पर्सनल कोच का बेनिफिट जो आपको वन ऑन वन गाइडेंस देंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे कस्टमाइज स्टडी प्लान मिलेगा आपका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर मिलेंगे आपको पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस करके दी जाएगी ताकि पता चले कि टेस्ट में मार्क्स कहाँ कम क्यों आ रहे हैं और किस तरीके से उसे इंप्रूव किया जा सकता है एक्स्ट्रा स्टडी बूस्टर सेशन मिलेंगे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स एंड नोट्स भी मिलेंगे आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी वरियस ड्यूरेशन में मिल जाएगा

ओके okay, स्टार्ट करेंगे सेशन बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला है आज का और इसमें जो लर्निंग है वो बहुत बड़ी होने वाली है जी हां लर्निंग जो है वो बहुत बड़ी होने वाली है सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि दो टाइप के सीपीयू के डिजाइन होते हैं कि हम सीपीयू किस टाइप से डिजाइन करना चाहते हैं आर्किटेक्चर वाइज उसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के सीपीयू है एक है रिस्क एक है सिस्क रिस्क होता क्या है मेरे पास फुल फॉर्म है जी हां रिस्क होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो बहुत सिंपल सा डिजाइंड है रिस्क का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो बहुत सिंपली डिजाइंड है कम से कम इंस्ट्रक्शन और आसानी से बहुत अच्छे से ये वाला डिजाइन हो जाता है सेकेंड है हमारे पास सिस्क जिसमें है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है जिसमें क्या होता है इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं डिफरेंस क्या है पहला है फर्स्ट डिफरेंस इज रिस्क में लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड रहते हैं कि अगर आपने रिस्क डिजाइन किया है सिस्टम तो उसमें कम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ही सपोर्ट होंगे सीपीयू कम ही नंबर ऑफ टाइप के डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करेगा यहां पे मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज़ कंपेयर टू दिस सिसक में ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके पास होते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं सेकंड है

रिस्क रिड्यूस्ड टाइप के इंस्ट्रक्शन है मतलब सिंपल सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट टाइप के इंस्ट्रक्शन एडिशन एंड और द लाइक दिस सिंपल इंस्ट्रक्शन ही सपोर्ट रहेंगे अगर आप CISC की तरफ जाएंगे तो यहां पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सपोर्ट हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स का मतलब ब्रांच ऑन दिस कंडीशन एटसेट्रा एटसेट्रा और भी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं जो सिसक में डायरेक्टली सपोर्टेड रहते हैं फिर लिमिटेड एड्रेसिंग मोड्स, लिमिटेड मतलब कम नंबर के एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट डायरेक्ट जो सिंपल सिंपल एड्रेसिंग मोड रहते हैं वही सपोर्टेड रहते हैं यहां पे, यहां पे मोर एंड कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स यहां पे ज्यादा नंबर वाले एड्रेसिंग मोड है जी हां और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स भी हैं कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड का मतलब कि ज्यादा डिटेल वाले जो है एड्रेसिंग मोड लाइक इंडेक्स मोड हो सकता है और भी उसके हायर लेवल के लाइक स्केलिंग मोड हो सकता है स्केल्ड मोड हो सकता है हमने पढ़ा नहीं है इसीलिए क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स से ज्यादा आता भी नहीं हमारे सिलेबस में है भी नहीं ठीक है तो इसका मतलब है कि रिस्क में सब सिंपल सिंपल सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स सिस्क जो कंप्यूटर है सीआईएस उसमें सब टफ टफ और ज्यादा ज्यादा इंस्ट्रक्शन आगे बढ़ते हैं अगले डिफरेंस बारे, बारे में देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है इजी टू इंप्लीमेंट यूजिंग हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट देखिए हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट रिकॉल करो जिसमें मैंने कहा था कि हार्डवेयर रहेंगे और हार्डवेयर जनरेट करेंगे सिग्नल्स हार्डवेयर को डिजाइन करना बहुत टफ होता है बट अगर सीपीयू का डिजाइन बहुत सिंपल है सीधा सीधा है तो उसके लिए हार्डवायर कंट्रोल यूनिट डिजाइन करना आसान हो जाता है है कि नहीं हाँ और अगर आपके पास सीपीयू का डिजाइन आसान नहीं हुआ तो क्या आप उसके लिए हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जनरेट कर पाओगे करना मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए आप प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की तरफ जाते हैं ओके okay, तो सुने ये लेस नंबर ओहो यहां तक तो हम आ गए थे इजी टू इंप्लीमेंट माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है ना अगला वाला ऑप्शन देखो ये क्या दे रखा है ये बहुत सिंपल टाइप के कंप्यूटर है एक साइकिल में पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है वन साइकिल पर इंस्ट्रक्शन एक सीपीयू साइकिल में पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड यहां पे मल्टीपल साइकिल्स लगती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप के इंस्ट्रक्शन है ठीक है फिर रजिस्टर टू रजिस्टर एरिथमेटिक ऑपरेशंस ओनली इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है रजिस्टर टू रजिस्टर मीनिंग क्या है ये देखो आपको ए एल यू पता है क्या होता है आलू क्या करता है आलू हर सब्जी में मिक्स हो जाता है, है ना ये वो वाला आलू नहीं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता क्या है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दो इनपुट ऑपरेट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है एरिथमेटिक या लॉजिक टाइप के ये दो इनपुट ऑपरेन्ट कहां से ले सकते हैं जहां से मर्जी <laughs> आए बट अगर रिस्क टाइप का कंप्यूटर सिस्टम है ना तो ये दो ऑपरेंट हम सिर्फ रजिस्टर से ही ले सकते हैं और रिजल्ट भी हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे तो कैसे पहुंचाएंगे रजिस्टर में ही पहुंचाएंगे आप मेमोरी में नहीं जा सकते मतलब ऑफ कोर्स यहां पे एक्यूमुलेटर में आप पहले रिजल्ट जनरेट करोगे पर एक्यूमुलेटर से फिर आप ट्रांसफर कहां करोगे उसको रजिस्टर में थ्रू राइट बैक प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बट क्या कहा मैंने रजिस्टर टू रजिस्टर एरिथमेटिक ऑपरेशन ओनली इन द रिस्क एल यू जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एरिथमेटिक या लॉजिक टाइप के तो ऑपरेंट कहां से ले सकता है रजिस्टर से और रिजल्ट कहां जनरेट कर सकता है रजिस्टर ये कहा रिस्क में ऐसा होता है कहां है भैया हमारा रिस्क ये देखो रजिस्टर टू रजिस्टर एरिथमेटिक ऑपरेशन ओनली किस में रिस्क में सिस्क में ये देखो क्या लिखा है रजिस्टर टू मेमोरी एंड मेमोरी टू रजिस्टर एरिथमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल कि अगर क्या हो अगर हम चाहें तो एल यू में हम डायरेक्टली कहां से मेमोरी से ऑपरेंट भेज सकते हैं पॉसिबल है जी हां और रिजल्ट भी हम कहां स्टोर करा सकते हैं एक्यूमुलेटर से हम डेस्टिनेशन क्या रख सकते हैं रजिस्टर या फिर मेमोरी रख सकते हैं बट ये किसमें पॉसिबल है सिर्फ सिस्क टाइप के कंप्यूटर सिस्टम में ही पॉसिबल है आज मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप लोग रेडी हैं लर्निंग के लिए तो आप लोग तो एकदम ठंडे हो गए एकदम ऐसे कूल cool पहन के बैठे हो हाँ सर आपने पूछा नहीं हमने बोला नहीं हमारी एनर्जी खत्म हो गई खाना खाए आज लंच किए हो वो तो बिना बोले भूख लग जाती है तो इसकी भूख कहाँ गई तुम्हारी पढ़ने की है चलो तो समझ में आई ये बात क्या कहा मैंने आपके सिस्क में रजिस्टर टू मेमोरी मेमोरी टू रजिस्टर एथेमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं फिर एक जो चीज है ना वो उल्टी है क्या है ये जो रिस्क है इसमें सब कम है और इजी वाला है लुक एट दिस लेस इंस्ट्रक्शन है फिक्स इंस्ट्रक्शन है कम नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड है सिंपल इंस्ट्रक्शन है सब कुछ सिंपल सिंपल वाला कम कम नंबर वाला बट नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है ना वो ज्यादा है नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है ना वो ज्यादा है अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों क्योंकि ये वाले पॉइंट की वजह से सारे जितने ऑपरेट आपको ए, -ए पे भेजना है जिन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सब रजिस्टर में होने चाहिए तो उसके लिए नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज्यादा चाहिए होते हैं इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम मेमोरी से ऑपरेंट ले सकते हैं इसलिए हमारे पास रिस्क में लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं तो एक चीज जो उल्टी है वो याद रख लीजिएगा रिस्क में नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम है यहां पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज्यादा है ठीक है समझ में आई बात अब एक और पॉइंट जो इन डिफरेंसेस में नहीं लिखा है वो पॉइंट मैं बता देता हूं आप लोगों ने पाइपलाइनिंग सुना है वो पानी वाला नहीं कि पौधों को पानी दे दो वो पाइपलाइन या कहीं से नदी से पानी आ रहा है घर पे वो वाली पाइपलाइन पाइप वाली पाइपलाइन नहीं कंप्यूटेशन वाली पाइपलाइन सुनी है सुना है ना पढ़ा नहीं है मैं पढ़ाऊंगा डोंट वरी सुना तो है कम से कम नाम टॉपिक का नाम तो सुना है बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये जो पाइपलाइनिंग है ना पाइपलाइन के लिए रिस्क टाइप के कंप्यूटर्स प्रिफरेबल होते हैं क्योंकि इजी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना तो पाइपलाइन इंप्लीमेंटेशन आसान होता है एड्रेसिंग मोड इजी होते हैं तो पाइपलाइन इंप्लीमेंटेशन आसान होता है लेंथ इंस्ट्रक्शंस हैं तो फेच आसान हो जाता है तो याद रखिएगा पाइपलाइन इंप्लीमेंटेशन में रिस्क इज प्रबल इट इज इजी टू इंप्लीमेंट पाइपलाइन ऑन द रिस्क टाइप ऑफ कंप्यूटर अब ये आपको याद तो रहेगा नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा कहां लिखू मैं यहां लिख दूर चलो यहां लिखते हैं प्रिफरेबल फॉर पाइपलाइन्ड सीपीयू क्या प्रिफरेबल है ये रिस्क है ना चलो अब अगर आपके मॉडर्न डे कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू पाइपलाइन है तो रिस्क टाइप का सीपीयू होगा और अगर पाइपलाइन नहीं है तो फिर सिस्क टाइप का सीपीयू होगा यूजुअली ऐसा होता है अब देखो गेट 2018 में कितना आसान क्वेश्चन आया रीड करो और अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद रह गई ये इसमें स्टार मार्क है अगर याद रह गई तो फॉर श्योर sure एक मार्क आपको तीन सेकंड में मिलेगा रीड क्वेश्चन रीड करने के तीन सेकंड में आप आंसर निकाल पाओगे द फॉलोइंग प्रोसेसर डिजाइन तीन डिजाइन डिटेल दे रखी है विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स अबो आर यूज इन द डिजाइन ऑफ रिस्क प्रोसेसर रिस्क प्रोसेसर में इनमें से क्या यूज में आता है पहला है रजिस्टर टू रजिस्टर एरिथमेटिक ऑपरेशन ओनली हां जी बिल्कुल वैसा ही होता है रिस्क में फिक्सड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये भी है और हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट ये भी है तीनों करेक्ट no है डी इज द करेक्ट आंसर कितना आसान है अगर आपको ये इंफॉर्मेशन याद है अब यह इन्फॉर्मेशन अभी तो दी मैंने ये कह रही द करेक्ट आंसर रिस्क में ये तीनों है ऑल थ्री आर द करेक्ट वन अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि अगर कंटेंट को मेमोरी में स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करते हैं अच्छा पहले मुझे ये वेरीफाई करके बताओ कि मैंने आपको मेमोरी और एड्रेस के बारे में कुछ बताया है इस तरीके से बताया है मुझे याद है कि बताया है आपको याद हो ना हो मेमोरी में इस तरीके से ऐसे रेक्टेंगुलर छोटे 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 छोटे, छोटे छुटे 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 चंक्स बनाए जाते हैं इन चंक्स को हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स बताया है ना मैंने ये और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है जीरो वन टू थ्री फोर अफकोर्स ये बाइनरी में होते हैं क्या मैंने ये बताया है आपको झूठ मत बोलना सच सच बताना याद है या नहीं है पर मैंने बताया तो जरूर है है ना अब सुनो अगर हम मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं तो मेमोरी का डिजाइन जो है वो दो टाइप का होता है या तो मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होती है या वर्ड एड्रेसेबल अगर नहीं बताया है तो सुन लो इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है एड्रेसेबल एड्रेसेबल का मतलब है कि किसको आपने एक पूरा एड्रेस दिया किस चीज को आपने एक एड्रेस दिया या उल्टा देखें तो एक एड्रेस पे आपको क्या मिला है ना सुनिए और देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, है ना मैंने अज्यूम किया कि एक सीपीयू है एक सिस्टम है जिसमें वर्ड साइज ले रखा है 32 बिट्स का 32 बिट में कितने बाइट्स होते थर्टी टू बिट में कितने बाइट होते फोर बाइट्स है ना अब मैंने कहा मेमोरी दो टाइप की बाइट एड्रेसेबल वर्ड एड्रेसेबल लिख लेते हैं या तो मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होगी या फिर होगी मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल ठीक है अब अगर मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल है तो मेमोरी के हर एक एड्रेस पे आपको क्या मिलेगा मेमोरी के हर एक एड्रेस पे आपको क्या मिलेगा एक एक वर्ड क्या मिलेगा एक एक वर्ड और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा रुको तो सही क्या कहा मैंने अगर आपके पास ये है मेमोरी ऑन एड्रेस जीरो आप कितना कंटेंट स्टोर कर सकते हो एक वर्ड एक वर्ड मतलब कितना डाटा चार बाइट का इस एग्जाम्पल के थ्रू ये मैंने एग्जाम्पल लिया है अजम्पन किया है अब आप कंफर्म मत मान लेना सर सिस्टम में वर्ड मतलब 32 बिट का सर ने बोला हर बार वर्ड 32 बिट का इट्स अशियर अजम्पन फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू किया है मैंने है ना वरना तुम मेरे को दोषी ठहराओगे अपने गलत आंसर की वजह से इंस्ट्रक्शन की बात नहीं की मैंने इंस्ट्रक्शन की कोई बात नहीं है सिर्फ बात की है कि एक एड्रेस पे आपने क्या स्टोर किया एक पूरा वर्ड फिर दूसरे एड्रेस पे एक और क्या मिलेगा आपको एक और वर्ड मिलेगा और एक एड्रेस पे आपको क्या मिलेगा एक और वर्ड मिलेगा एंड सोन so ये है वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी बाइट एड्रेसेबल मेमोरी क्या होगी हर एक एड्रेस पे आप कितना स्टोर कर पाओगे कंटेंट सिर्फ एक बाइट का कितना एक एड्रेस पे एक बाइट अगले एड्रेस पे अगली एक और बाइट बाइट मतलब कितनी बिट्स पता है इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इतना तो पता होगा अगले एड्रेस पे एक और बाइट अगले एड्रेस पे एक और बाइट और एड्रेस पे और एक बाइट एंड सो ऑन एक एक एड्रेस पे एक एक बाइट इस तरीके का मेमोरी डिजाइन ये दो अलग अलग टाइप के मेमोरी डिजाइन होते हैं मैन्युफेक्चरर डिसाइड करेगा कि एक एड्रेस पे एक बाइट स्टोर करानी कि एक वर्ड स्टोर कराना है वो देख लेगा है ना अब एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं चार दोस्त आप और आपके और तीन दोस्त मान लो नाम वाम भी सोच लो आराम से इमेजिन कर लो चार दोस्त चार फ्रेंड्स एम टेक करते कर किसी अच्छे आई आई टी आई एस से फिर अच्छी जॉब पाने के लिए बाहर जाते हैं जॉब भी मिल जाती है अब जॉब के वहां रहने के लिए उन्हें चाहिए अपार्टमेंट क्या चाहिए उन्हें अपार्टमेंट तो वो क्या करते हैं चारों फ्रेंड एक ही अपार्टमेंट रेंट पे लेके और रहना शुरू कर देते हैं अगर चारों दोस्त एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं अब चारों में से किसी एक को भी कोई कार्ड या कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कोई कोई लेटर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट पहुंचाना है या कोई शॉपिंग के थ्रू उन्हें कुछ मंगाना है किसी वेबसाइट से कौन सा एड्रेस कॉमन एड्रेस रहेगा सबका किसी का अलग अलग एड्रेस तो नहीं है नहीं है किसी का अलग अलग एड्रेस नहीं है चारों का सेम एड्रेस पे ही चीजें पहुंचेंगी वो है ये वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। इस एक वर्ड पे चार अलग-अलग बाइट -अलग हैं, बट चारों अलग-अलग बाइट का अलग से मेमोरी एड्रेस नहीं है देख सकते हो एड्रेस जीरो ही है उस एड्रेस पे एक पूरा वर्ड रखा हुआ है पूरी बाइट रखी हुई है सेम एड्रेस आपको पूरी चार बाइट दे देगी चारों बाइट का अलग अलग एड्रेस नहीं है बट अगर आपको यहां रखना है तो बाइट एड्रेसेबल है तो मतलब अब चार दोस्त जो है उनको जम नहीं रहा यार एक फ्लैट में नहीं रख सकते लड़ाई होती है तो हम चारों अलग 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 अलग, -अलग फ्लैट लेंगे छोटे छोटे तो सबने अलग अलग फ्लैट ले लिया हर एक का अपना अपना एड्रेस अगर ऐसा है तो वो मेमोरी होगी बाइट एड्रेसेबल टाइप की इमेजिन कर पा रहे हो क्या करना है उसमें हमें जीरो एड्रेस पे सिर्फ एक बाइट हर एक बाइट का अपना एक एड्रेस है वन एड्रेस का वन बाइट एक एड्रेस नंबर टू उसका अलग बाइट एड्रेस नंबर थ्री उसका एक अलग बाइट हर एक बाइट का अपना अपना एक एड्रेस या हर एक एड्रेस पे एक एक, एक, एक बाइट तो अगर इस टाइप की मेमोरी में मुझे एक वर्ड को स्टोर करना है तो क्या एक एड्रेस पे एक पूरा वर्ड रखा जाएगा नहीं एक वर्ड का साइज तो चार बाइट का है चार बाइट रखने के लिए मुझे चार एड्रेस लगेंगे यहां तो एक एड्रेस पे रखा गया क्यों क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी थी कि हर एक एड्रेस पे हम चार बाइट रख सकते हैं एक पूरा वर्ड रख सकते हैं पर इस मेमोरी में हम चार बाइट को चार अलग अलग एड्रेसेस पे रखेंगे क्योंकि एक एड्रेस पे एक ही बाइट की हमारे पास में गुंजाइश है तो कितने एड्रेसेस लगेंगे चार एड्रेसेस जीरो वन टू थ्री ये होगा आपका एक पूरा वर्ड अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस वर्ड का एड्रेस बताओ मेमोरी पे इस वर्ड का एड्रेस बताओ मेमोरी पे तो क्या बताओगे इस वर्ड का एड्रेस बताओ क्या बताओगे अगर आपके पास बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है देखो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है ये आर्किटेक्चर का समझने के लिए क्योंकि यहां से डायरेक्टली नहीं तो कम से कम इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो बहुत सारे सॉल्व करने को मिलेंगे लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है अगर आपके पास मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल है और बाइट एड्रेसेबल है दोनों में डिफरेंस आएगा व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट वर्ड एड्रेस ऑफ फर्स्ट वर्ड हियर इज इक्वल टू जीरो एड्रेस ऑफ सेकेंड वर्ड क्या हो जाएगा इज वन एड्रेस ऑफ थर्ड वर्ड क्या हो जाएगा इज इक्वल टू टू ऐसा क्यों ऐसा क्यों क्योंकि हर एक एड्रेस पे एक 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 वर्ड रखा हुआ पहले ए, पहले वर्ड का एड्रेस जीरो दूसरे का वन तीसरे का टू एंड सो ऑन बट यहां पे क्या हम एक एड्रेस पे एक पूरा वर्ड रख सकते है? नहीं चार एड्रेस है टू थ्री तो कौन से एड्रेस को हम इस वर्ड का एड्रेस माने जीरो की वन की टू की थ्री तो सबसे जो छोटा एड्रेस है स्टार्टिंग एड्रेस स्टार्टिंग नहीं कहेंगे इसे हम बोलेंगे लोएस्ट एड्रेस लोएस्ट एड्रेस जिसपे वो वर्ड रखा है अगर एक वर्ड मल्टीपल लोकेशंस पे है तो मल्टीपल लोकेशंस में से सबसे छोटा एड्रेस कौन सा है सबसे छोटा एड्रेस है जीरो, तो लोएस्ट एड्रेस जो है उस वर्ड को स्टोर करने के लिए वो उसका एड्रेस ऑफ द वर्ड कहलाएगा बहुत इंपॉर्टेंट सी छोटी सी इंफॉर्मेशन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं यहां लिख देता हूं लोएस्ट एड्रेस ऑफ द वर्ड इफ इट इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल लोकेशंस अगर मल्टीपल लोकेशंस पे वो वर्ड रखा है तो सबसे छोटा एड्रेस जो है वो उस वर्ड का एड्रेस होगा तो अब यहां पे अगर हम सिंपल सी ये बात करें एड्रेस ऑफ फर्स्ट वर्ड हियर विल बी इक्वल टू जीरो है ना जीरो वन टू थ्री पे पहला वर्ड रखा हुआ है लोवेस्ट एड्रेस है जीरो अगर हम यहां पे देखें एड्रेस ऑफ सेकेंड वर्ड तो ये हो जाएगा इक्वल टू वन नहीं नेक्स्ट वाला वर्ड रखा होगा फोर फाइव सिक्स सेवन पे तो फोर फाइव सिक्स सेवन जो है उसका मिनिमम एड्रेस स्मॉलेस्ट एड्रेस है फोर फिर एड्रेस ऑफ थर्ड वर्ड जो है वो हमारा होगा एट एंड सो गॉट इट बहुत ईजी सा कंसेप्ट था समझा दिया अभी तक इतना तो समझ में आया आपको बट जो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बाइट की ऑर्डरिंग अगर आपका एक कंटेंट एक से ज्यादा एड्रेसेस पे रखा हुआ है तो उसे किस ऑर्डर में मेमोरी पे स्टोर करते हैं उसकी ऑर्डरिंग डिफरेंट हो सकता है और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डरिंग वन इज लिटिल इंडियन दूसरा बिग इंडियन नाम बहुत बड़े हैं अरे सर इसमें क्या होगा कंफ्यूजन होगा ये वो एस सच कोई कंफ्यूजन नहीं है डियर फ्रेंड्स बहुत आसान सी चीज है बहुत आसान सी चीज है मैं टुकड़े-टुकड़े कर-करके कर, और आपको ये चीज समझा दूंगा टुकड़े कर-करके कर, एक-एक एक-एक पीस बाय पीस पूरी चीज समझा दूंगा फिर मेरे को बताना कि क्या टफ है कंफ्यूजिंग है है। या क्या लिटिल इंडियन, इंडियन, बिग से आया, आया, आया जो भी आया, जैसे भी जैसे वर्ड कैसे आए क्यों आए लिटिल मतलब छोटा बिग मतलब बड़ा बस इतना ही याद रखना है हाँ जी तो अब बात करते हैं इनके बाइट ऑर्डरिंग की जरूरत पड़ती क्यों है उसके बारे में फिर हम आएंगे कि ये लिटिल इंडियन बिग इंडियन क्या है सबसे पहले छोटे से एग्जाम्पल से बात करता हूं अज्यूम वन वर्ड इज इक्वल टू टू बाइट्स एक वर्ड की साइज है टू बाइट्स की एंड लेट से दैट वर्ड इज लाइक दिस ये है बाइट जीरो ये है बाइट वन हमने राइट से बाइट जीरो बाइट वन क्यों लिखा है क्योंकि ये एल एस बी है छोटा नंबर MSB's बड़ा नंबर हम ये मान लेते हैं एल एस बीस यहां पर एल एस बी होंगी ना इसकी समझते हो ना लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होंगी उस बाइट उस पूरे वर्ड की और यहां पर आएंगी एम एस बी है ना तो एल एस बी को हमने जीरो बाइट मान लिया एम एस बी को हमने बाइट वन मान लिया ये है पूरा वर्ड जो मुझे दिख रहा है सामने से इस वर्ड को स्टोर अगर करना है मेमोरी में तो कैसे करें है ना इस वर्ड को अगर मेमोरी में स्टोर करना है तो कैसे करें मेमोरी में स्टोर करने के लिए लेट्स से इस वर्ड को इस इन दो एड्रेसेस पे स्टोर करना है तो एक ऑप्शन तो यह हो सकता है कि आप इन दो वर्ड को इस तरीके से रखो कि पहले बाइट वन रखो और उसके बाद बाइट जीरो रखो स्टार्टिंग एड्रेस लेट से दिस एड्रेस इज टू हंड्रेड एंड नेक्स्ट एड्रेस इज टू हंड्रेड वन तो नेक्स्ट टू हंड्रेड एड्रेस पे हमने रखा बाइट वन और टू हंड्रेड वन पे बाइट जीरो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप मेमोरी में पहले बाइट जीरो रख दो और उसके बाद बाइट वन रख दो एड्रेस टू हंड्रेड और टू हंड्रेड कुछ भी करके दो बाइट रखने की है है ना बाइट दो बाइट रखने की है मेमोरी में या तो पहले एमएसबी बाइट रखो उसके बाद एल एस बी साइट की बाइट रखो या फिर उल्टा कर दो कैसे पहले एल एस बी साइट की बिट्स रख दो बाइट में और उसके बाद एमएसबी साइड की बिट्स रखो स्टोर करना है कैसे भी कर सकते हो बट ये बहुत बड़ा डिसीजन है ये स्टोर करने का जो चीज है ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टाइम जब आर्किटेक्चर हम डिसाइड करते हैं ना तब हम ये डिसाइड करते हैं और उन्हीं को बोलते हैं लिटिल इंडियन और बिग इंडियन उन्हीं को ही क्या बोलते हैं लिटिल इंडियन या बिग इंडियन चिराग का बड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आया है मेरे को लेना पड़ेगा इन वर्ड एड्रेसेबल इज इट नेसेसरी टू स्टोर कंटिन्यूअसली यस इट इज ने टू स्टोर कंटिन्यूसली अदरवाइज वेन यू विल फेच इट बैक हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट विच बाइट इज ऑर्डर वेयर ऑन अ सिंगल एड्रेस कंप्लीट डेटा विल बी स्टोर कंटिन्यूअसली लेफ्ट टू राइट ओनली चलो अभी देखो कि हम बाइट को रखना चाहते हैं रख देते हैं पहले कौन सी बाइट रखनी है मेमोरी में यह डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा आर्किटेक्चर डिसीजन होगा और ये आर्किटेक्चर डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि इस आर्किटेक्चर में इस कंप्यूटर में अगर मल्टी बाइट डेटा हुआ तो उसको कैसे स्टोर करेंगे पहले छोटी बाइट पहले लिखेंगे या बड़ी बाइट पहले लिखेंगे और वो डिसीजन किस पे डिपेंड करता है लिटिल इंडियन बिग इंडियन है ना तो यहां पे क्या आएगा यहां पे अगर आपने बड़ी बाइट पहले लिखी बड़ी मतलब एमएसबी की बिट्स पहले लिखी पहले छोटे एड्रेसेस पे और उसके सबसीक्वेंट आपकी नेक्स्ट बाइट्स आएंगी तो इसको हम बोलते हैं बिग एंडियन और इसको क्या बोलते हैं हम लिटिल एंडियन जिसमें हम क्या करते हैं छोटी बाइट एल एस बी साइड की बाइट्स को पहले छोटे एड्रेसेस पे लिखते हैं वो होगा लिटिल एंडियन बस इतना सही कंसेप्ट था इफ पाइपलाइन मैक्स टीपी इज फ्रॉम लास्ट स्टेज वी शुड एड लेटेंसी यस यू शुड यू शुड यश यू शुड बस इतना ही था लिटिल इंडियन बिग इंडियन कि आप किस साइड की बिट्स को कहां स्टोर करते हैं एक एग्जांपल और लेके बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में और थोड़ा डिटेल में कैसे अब इनको हम बाइट जीरो बाइट वन की जगह पे मैं आप बाइनरी ले लूंगा इनका बाइनरी लेने की कोशिश करूंगा इनका बाइनरी लेने की कोशिश करूंगा सपोज आपके पास एक वर्ड है इस टाइप का सिक्सटीन बिट का वर्ड है वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन ये एक बाइट हो गई मेरे को लिखना ही पड़ेगा ज्यूम वरना फिर तुम मान लोगे सर वहां तो चार वर्ड का था या दो वर्ड का कैसे हो गया दो बाइट का कैसे हो गया वर्ड वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन देन जीरो 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 वन जीरो वन जीरो रही आपकी सिक्सटीन बिट्स टू बाइट्स अब इसे आपको अगर मेमोरी में रखना है बाइट एड्रेसेबल जो कि आज का करंट ट्रेंड है सारे सीपीयूज जो हैं उन सब सीपीयूज में बाइट एड्रेसेबल मेमोरी ही यूज में आती है तो बाइट एड्रेसेबल अगर मेमोरी यूज में आती है तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में हम कैसे स्टोर करेंगे किसको स्टोर करेंगे इनको बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे इस चीज को चलो देखते हैं अगर हमारे पास बिग एंडियन आया अगर कंप्यूटर सिस्टम बिग एंडियन है तो बिग एंडियन में कैसे स्टोर करेंगे कंटेंट को मेमोरी में सबसे पहले कौन सी वाली बिट एमएसबी साइट की बिट्स। तो हम पहले एड्रेस पे रखेंगे एमएसबी साइट की बिट वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन और उसके बाद रखेंगे जीरो 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 वन जीरो वन जीरो स्टार्टिंग एड्रेस कुछ भी ले लो आप स्टार्टिंग एड्रेस वन हंड्रेड और वन हंड्रेड वन ले लो जो चाहो आप ले सकते हो दीज आर दी एड्रेसेस अगर आपके पास इसी केस में सिस्टम लिटिल एंडियन होता तो मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे कंटेंट को छोटे एड्रेस पे एल एस बी साइट की बिट्स एल एस बी साइट की बिट्स क्या है आठ बिट्स लखो पहले जीरो 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 वन जीरो वन जीरो वन और फिर बड़ी एम एस बी साइट की वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो आसान है कितना आसान है क्या किया एग्जैक्टली exactly हमने बिग इंडियन का मतलब एमएसबी की बिट्स पहले और उसके बाद सबसिक्वेंट बिट्स और लिटिल इंडियन में एल एस बी साइट की बिट्स पहले और बाद में Next सबसिक्वेंट बिट्स अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो ये बाइनरी नहीं देते वो लोग मैंने आपके पहले सेशन से ये बात कही है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू बाइनरी बाइनरी को ये लोग क्या करते हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दे देते हैंक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करके दे देते हैं ताकि आपका नंबर जो है वो थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक दिखे वन जीरो 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 हो जाते हैं दिखते नहीं है तो क्लियरली नंबर में लिख लेते हैं बस इतना ही डिफरेंस है सर इन सी प्रोग्रामिंग पॉइंटर पॉइंट टू एल एस बी और एम एस बी हिमान लुक एट दिस पॉइंटर पॉइंट टू द स्टार्टिंग एड्रेस इसमें भी हंड्रेड इसमें भी हंड्रेड एड्रेस हंड्रेड ही है अब ये इंडियन पे डिपेंड करेगा कि किस क्या है आर्किटेक्चर की अगर लिटिल इंडियन है तो वो एम एस बी बिट को नहीं एल एस बी बिट को करेगा एड्रेस तो जो पहला एड्रेस पे होगा वो होगा बिट्स ये तो अब आपको इंडियन से समझना पड़ेगा एड्रेस तो वही रहेगा चलो अब एक काम करते हैं एक और बड़ा एड्रेस लेते हैं ठीक है मैं इस बार अज्यूम करता हूं ये लिखना बहुत जरूरी है आप सब लोग के लिए नहीं तो फिर आप तो आपने लिखा एक वर्ड का साइज दो बाइट क्या हमेशा दो बाइट होता है कंफ्यूज आ जाओगे इसलिए मैं अज्यूम अज्यूम हर बार लिख देता हूं है ना चलो अब सबसे पहले ये देखते हैं अजूम, अजूम क्या क्या अज्यूम करते हैं कि इस बार बाइट का साइज जो है या वर्ड का साइज जो है वो हम ले लेते हैं चार बाइट का वर्ड का साइज हमने ले लिया चार बाइट का so, क्लियर देखते हैं इसको ठीक है अब अगर वर्ड का साइज चार बाइट का है इस बारी हम वर्ड ले, ले लेते हैं इस तरीके से हेक्साडेसिमल है ना बाइनरी की जगह मैं वर्ड ले, ले लेता हूं हेक्साडेसिमल में ले लू चलेगा कोई तकलीफ तो नहीं तुम लोग को तुमको क्या ही तकलीफ होगी सर आप जो पढ़ा दो वही सही है हमारे लिए तो है ना चलो ओके वर्ड हेक्साडेसिमल में कुछ इस तरीके से है फोर ए सी डी थ्री नाइन टी ये है आपके पास में एक वर्ड क्या आप बता सकते हो यह वर्ड थर्टी टू बिट फोर बाइट का है एक हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट करती है फोर बिट्स को एट हेक्साडेसिमल डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग थर्टी टू बिट फोर बाइट है ना ठीक है अभी बात करते हैं इस बारे में कि वर्ड अगर यह है तो इस वर्ड को हम स्टोर कैसे करेंगे एक एक करके दोनों को देख लेते हैं बिग इंडियन अगर बिग इंडियन है तो मेमोरी में सबसे पहले एड्रेस पे हम क्या रखेंगे एम एस बी और ए फिर नेक्स्ट बाइट सी डी फिर नेक्स्ट बाइट फाइव थ्री और सबसे लास्ट में सबसे एल एस बी बिट्स नाइन डी ओह बी कहां से रख नाइन डी स्टार्टिंग एड्रेस आप चाहो, चो जो चाहो मान लो थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड वन थ्री हंड्रेड एंड टू थ्री हंड्रेड एंड थ्री अगर यही चीज तुमसे पूछी होती किस चीज में लिटिल इंडियन में तो क्या आएगा जे रही मेमोरी कंप्यूटर की तुम्हारी नहीं क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में तुमसे ज्यादा अच्छा स्टोरेज मिल जाएगा ज्यादा भी और जो स्टोर करते हो मिल भी जाता है अगर वो रैम टाइप की नहीं है तो है ना सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एल एस बी साइट की बिट्स नाइन डी पेर फाइव थ्री सी डी और फिर वो ए ये रहे एड्रेस एड्रेसेस में मान लेता हूं स्टार्टिंग एड्रेस 300, 301, 302, 303 ये रहा पूरा एक वर्ड इन एड्रेसेस पे स्टोर्ड अच्छा जल्दी से मुझे एक चीज बता दो इन दोनों एग्जाम्पल में एंडियननेस चाहे कुछ भी हो एड्रेस ऑफ द वर्ड क्या होगा एड्रेस ऑफ द वर्ड बता दो क्या होगा जल्दी बताओ एड्रेस ऑफ द वर्ड क्या होगा लोएस्ट एड्रेस 300 हंड्रेड यहां पर लोएस्ट एड्रेस 300 हंड्रेड यहां पर भी गुड अर्पन नाइस सेम एड्रेस 300 हंड्रेड लोएस्ट एड्रेस जो है वो देखो समझ में आ रहा है चलो इंटेलिजेंट बन गए हो यार तुम लोग अब एक काम करना जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो अभी नहीं हो रही है पर जब भी क्लास खत्म हो जाए क्या करना उसके बाद गेट ट्वेंटी वन का क्वेश्चन पेपर उठाना उसमें सेट नंबर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को देखना और वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करना आपसे बनेगा पक्का बनेगा पक्का बनेगा क्वेश्चन फॉर श्योर आपसे बनेगा बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको ये जो लॉजिक मैंने बताया बिग इंडियन लिटिल इंडियन ये याद रहना जरूरी है एक क्वेश्चन है लास्ट ईयर 21 वन गेट में इसी साल में आया है सेकेंड पेपर में सेट नंबर टू में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उम्मीद करता हूं कर पाओ और आपसे अगर बन जाए वो क्वेश्चन तो मुझे कमेंट में आके बता देना अब ऐसा उम्मीद मैं क्यों करता हूं तुमसे मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा आपकी कमेंट से बट हां एक चीज की खुशी मिलेगी कि मैंने जो समझाया उससे बच्चों का क्वेश्चन बन गया मतलब हां तुम काबिल हो जाओगे कि हां भैया हमसे क्वेश्चन बन रहा है हां सर क्वेश्चन बन रहा है ओके okay. चलो अब ये जो बाइट ऑर्डरिंग है लिटिल इंडियन बिग इंडियन की इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है नो एनी स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ एनी ऑर्डरिंग आप बिग इंडियन यूज करोगे तो क्या मिलेगा लिटिल इंडियन यूज करो तो क्या फायदा होगा कोई फायदा नहीं है दोनों में से किसी चीज का कोई फायदा नहीं है अब किसी ने पूछा था एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज क्यों करते हैं कुछ डेटा बाइट्स के भी होते हैं जैसे कैरेक्टर एक ही बाइट का होता है फ्लोट आपके पास चार बाइट का होता है इंटीजर दो बाइट का है तो अगर आपने वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी बना दी और आपके पास बहुत सारा डेटा बाइट्स में आता है तो आप क्या करोगे एक एड्रेस पे एक पूरा कंटेंट एक वर्ड रखने की कोशिश करोगे चार बाइट दो बाइट जो भी है और आपके पास उसमें से आप सिर्फ एक एक बाइट ही यूज कर पाओगे तो एक एक बाइट का कंटेंट जो है वो ऐसे ही वेस्ट जाएगा मेमोरी की स्पेस वेस्टेज बहुत होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत होता है इसलिए बाइट एड्रेसिबिलिटी सही रहती है टोटल कैपेसिटी अपने पास बराबर ही आ रही है बट बाइट एड्रेसिबिलिटी में हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता उसकी वजह से हम मेमोरी वेस्टेज नहीं करने देते यहां पे बिल्कुल भी मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है चलिए तो आज का जो सेशन था वो हुआ समाप्त हम कल बात करेंगे आयो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कल से स्टार्ट होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आर्किटेक्चर खत्म ऑर्गेनाइजेशन में आयो ऑर्गेनाइजेशन आयो मैप डायो मेमोरी मैप डायो और फिर हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे एक टॉपिक जिसका नाम है मोड ऑफ ट्रांसफर जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं प्रोग्राम डायओ इंटरप्ट आयो और थर्ड वन डी एम ए कहां से एक्सेस कर सकते हो पीडीएफ के लिए आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे आपको सारी पीडीएफ वहां से मिल जाएंगी लेक्चर्स की ठीक है चलो जितने लोगों को प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी चाहिए ज्यादा स्ट्रक्चर्ड चाहिए ज्यादा ऑर्गेनाइज चाहिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए एजुकेटर्स का तो अनकेडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो इन सब्सक्रिप्शन में आज नहीं आपको सेवनटींथ ऑफ सेप्टेंबर तक बहुत बड़ा फायदा है क्या फायदा है कि ऑलरेडी प्राइसेस आर स्लैश बाय टेन कम कर दिए हैं टेन परसेंट से ऑलरेडी और उस पर और एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोड यूज करेंगे ये ये सिर्फ डिस्काउंट कोड कोड नहीं है है रे बाबा ये एक कनेक्शन आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं मेरी टीम से कनेक्ट होना चाहते हैं मेरी टीम का मेरा गाइडेंस लेना चाहते हैं मेरी टीम के साथ में उनका सपोर्ट चाहिए यूज करो कोड टेक द सब्सक्रिप्शन एंजॉय द बेनिफिट सब्सक्रिप्शन लेने से आपको मिलेगा टॉप क्लास टॉप क्लास एजुकेटर्स वन ऑन वन गाइडेंस मिल सकता है आपको लाइव मेंटरशिप में थ्रू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड डाउट पूछने की आपको मिलेगी फैसिलिटी और मिलेंगे टॉप क्लास एजुकेटर्स जो आपको अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हो चलिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार इस चैनल को स, आप लोग सब्सक्राइब करके और हमको सपोर्ट करो कैसे एवरी टाइम यू कम हियर से शेयर एंड लाइक द सेशन शेयर करो सेशंस को प्लेलिस्ट को जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे उनके साथ जूनियर्स के साथ अपने सोशल मीडिया पे ताकि आपके कनेक्शंस को भी ये लेक्चर सुनने को मिले जो कि बहुत अच्छे हैं हमने बहुत मेहनत की है उनके लिए प्लस सब्सक्राइब कर लो चैनल को टर्न ऑन कर लो नोटिफिकेशन और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेवन नहीं एट फोर्टी एक सेशन है अन अकेडमी की स्पेशल क्लास पे फ्री मिलते हैं वहां पे तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग बाय बाय एवरीबॉडी